तस्वीर वादा महफिल में हाजिर होने की तौफीक बख्शी। जितने यारान तारीखत गाहे मुहद्दस अता से जो हजरात वाबस्ता हैं वो तशरीफ़ याम तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी मोहब्बतें उनका प्यार अल्लाह तबारक व ताला इसकी जज़ाए कामिला उन्हें अता फरमाए। अमूमी तौर पर मीलाद शरीफ के हवाले से आपने अक्सर बेशतर उलमा से तकवा से मुकर्रीन से वाइज़ीन से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उन्वानात पर खिताबात और बयानात सुनने का शर्फ हासिल किया है। हर बुले रातले दीगर हर बयान करने वाला हर तकरीर करने वाला हर वाज करने वाला उसका अपना एक अंदाज होता है और अपना एक तरीक़ार होता है। मैं आपकी खिदमत अक़दस में मीलाद शरीफ के हवाले से ही कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात मैं ये अर्ज करूँगा कि अमूमी तौर पर यह सवाल किया जाता है कि क़ुरान मजीद में कहीं मीलाद शरीफ का जिक्र है या नहीं। इस बात को समझने के लिए एक बुनियादी बात ज़हन के अंदर रखें, इसी पर इंशाअल्लाह सारी गुफ्तगू होगी। उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, सादात राम दरबार हैं, मेरे लफ्ज़ों पे ज़रा गौर करना कि मीलाद की महफल होती ही वो है जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद का तज़किरा किया। अगर कोई पूछे कि मीलाद की महफल क्या है और मीलाद शरीफ मनाने की हकीकत क्या है तो ये बुनियादी नुक्ता हर दीनी भाई को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मीलाद पाक की महफल वो होती है जिसमें प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने और हुजूर की जलवा गरी और हुजूर की आमद पाक का जिक्र किया जाए। मेरा दावा ये है कि पूरा कुरान आमद मुस्तफ़ा के जिक्र से भरा पड़ा जा बजा कुरान मुकद्दस में रब्बुल जलाल ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र करवाया और मैंने ये दावा किया है इस दावे पर मैं कुरान हदीस से दलाइल लाऊंगा कि मीलाद की महफिल वो होती है जिसमें हुजूर की तशरीफ आवरी हुजूर की जलवा गरी हुजूर की आमद का तज़किरा किया जाए। और कुरान मजीद में जगह जगह हुजूर की आमद का जिक्र है। आपने देखा कि जब से रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आया गलियों बाजारों में मुख्तलिफ तराने मीलाद के हवाले से गूंजते हैं। ये ऐसा माहे मुबारक है कि इसका चांद शुरू होते ही गुलशन इस्लाम में बहार आ जाता है। चेहरों पे रौनकें आती हैं, ईमान की गलियां खिल उठती हैं और कलेजों में ठंड पड़ती है कि वो मुबारक महीना तशरीफ ले आया जिसमें हमारे प्यारे आका और मौला जिनकी खातर रब्बुल जलाल सारी वज़्फ़े कायनात को तकलीफ इस माह मुबारक की 12 तारीख को अल्लाह करीम के वो महबूब करीम तशरीफ़ लाए जिनकी खातर कायनात पस्त वाला कायनात हस्त वजूद को रब्बुल जलाल ने तकलीफ फरमाया। इमाम ज़ुर्रानी मवाहिदुल दुनिया में मौजूद है, हदीस कुदसी मौजूद है, लौला कलमा खलकतुल अफलाक के महबूब करीम अगर आपको बनाना मकसूद ना होता तो मैं आसमान ना बनाता। लौला कलमा खलकतुद दुनिया ए महबूब आपको बनाना मकसूद ना होता मैं दुनिया ना बनाता। लौला कलमा अज़मतुर रबूबिया ए महबूब आपको बनाना मेरी वशियत और कुदरत में ना होता तो मैं अपना रब होना ही जाहिर ना करता। बाबा सहाफत मौलाना ज़फ़र अली खान ने
حدیث زوداد کا مفہوم بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا. مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں گر عرض و سما کی محفل میں زوداد لما کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گزاروں میں یہ دور نہ ہو سیار. میرے محبوب کریم علیہ السلام کی آمد کے تذکرے پوری کائنات میں گونج رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ چند روز قبل جو میلاد شریف کا جلوس تھا پوری دنیا میں, یورپ کو, ایشیا میں, افریقہ میں, پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں مسلمان آباد ہوں اور آقا کا میلاد نہ ہو. کئی مرتبہ مجھے برطانیہ جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں مختلف شہروں میں جو میلاد شریف کا جلوس نکلتا ہے گلیوں اور بازاروں میں عظمت مصطفیٰ کے چرچے اور پرچار ہوتا ہے. اور ننھے منہ ہمارے بچے پڑھتے نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم کے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. حضور کی آنے کا ذکر ہے. ہمارے ننھے منہ بچے پڑھتے ہیں جشن آمد رسول اللہ کی اللہ, بی بی آمنہ کے بھول اللہ کی اللہ, یہ آنے کا ذکر ہے. آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے, آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور. ان تمام کلاموں میں اگر غور کرے تو حضور کے آنے کا ذکر ہے. گلیوں بازاروں میں بچے جھومتے ہیں کہ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والے آ گئے, مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والے آ گئے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب حضور قیامت کا تذکرہ. میں پھر واپس آتا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ میلاد کی محفل ہوتی ہی وہ ہے جس میں حضور کی آمد کا ذکر کیا ہے, حضور کے تشریف لانے کے تذکرے کیے. اب میں نے جو سوال عرض کیا تھا کہ قرآن میں کہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا ذکر ہے, میرے ساتھ ایک پروفیسر کی بات چیت ہو گئی, مجھے کہنے لگا کہ قرآن میں کہاں ذکر ہے میلاد شریف کا. میں نے کہا کہ میلاد کی محفل پہلے سمجھو کہ کیا ہوتی ہے, کون سی محفل کو میلاد کہتے ہیں. میلاد کی محفل اسے کہتے ہیں جس میں حضور کے تشریف لانے کا ذکر کیا. میں اس پر اپنی دلائل لاؤں گا, ذرا تمیزی گفتگو سن لیں. اب وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا, کہنے لگا کہ کیا قرآن میں بھی میلاد کا ذکر ہے. میں نے کہا میرا دعویٰ ہے اور ذمہ داری سے علاوہ دل بصیرت اور سوچ سمجھ کر کہتا ہوں, بڑے غور و خوض کے بعد کہتا ہوں, گہرے سوچ و فکر کے بعد عرض کرتا ہوں کہ بے نیاز رب نے قرآن میں اپنے محبوب کے میلاد کو نور کے ٹائٹل سے بیان فرمایا. میں جہاں دن رات جا رہا ہوں, میں نوجوانان اہل سنت کو پیغام دیتا ہوں کہ الگ اعلان اور سینہ تان کر کہا کرو, ڈنڈے کی چوٹ پر کہا کرو کہ قرآن میں بے نیاز رب نے میلاد کو نور کے ٹائٹل اور نور کے عنوان سے بیان کرنا ہے. سبحان اللہ, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سرکار کی آمد. پہلے سن لیں کہ نور کے ٹائٹل سے, نور کے عنوان سے میلاد کو بیان کیا قرآن. ارشاد ربانی ہے فجاءکم من اللہ نور, تحقیق تمہارے پاس آ گیا, تشریف لے آیا. کہاں سے آیا؟ فرمایا من اللہ, اللہ کی طرف سے آیا. کون آیا؟ فرمایا من اللہ نور, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور تشریف لے آئے. آمدن آنا آیت مطالعہ, آمد آنے کو کہتے ہیں عربی میں, اس لیے جا آ کا لفظ ہے. جا تشریف لے آئے, آ گئے اللہ کی طرف سے نور تشریف لائے. اب اگلی بات سمجھیے, دعویٰ یہ ہے کہ میلاد کو قرآن میں اللہ نے نور کے عنوان اور ٹائٹل سے بیان فرمایا. اس کی حکمت کیا تھی؟
कि वो नूर जो सारी कायनात से पहले रब्बुल जलाल ने तख्लीक किया था वही नूर मुहम्मदिया रबीउल अव्वल की 12 तारीख को तकदीर हुआ। मुझसे पूछने लगा कि नूर के फरमान और टाइटल से इराद को कुरान में क्यों बयान किया है, इसमें हिकमत क्या थी? मैंने कहा हिकमत ये थी कि कायनात के हर वजूद से पहले, कायनात की हर तख्लीक से पहले, कायनात की हर शय से पहले बेनियाज रब ने अपने उस मालूम के नूर को तख्लीक फरमाया और वही नूर रबीउल अव्वल की 12 तारीख को शहर मक्का में हजरत खुदा के घर में हजरत आमना की गोद में उसी नूर का ज़ुहूर हुआ था जो नूर सारी कायनात से पहले अल्लाह ने तकदीर पर अशरफ अली थानवी अपनी किताब में एक बाब बांध रहे हैं
चैप्टर लाए हैं नूर मोहम्मदी के प्यारे, उसमें हजरत मुहद्दिस अब्दुल रज़ाक के हवाले से ये हदीस नकल की है कि मुहद्दिस अब्दुल रज़ाक अपनी सनद सही के साथ अपने मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक ने इस हदीस को लाए हैं कि हुज़ूर ने फरमाया जाबिर कायनात की हर शय से पहले तेरे अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से तकलीफ दूसरी हदीस शरीफ सुनी मेरे आका करीम ने फरमाया अना नूर मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक मिन नूरी। हुजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह के नूर से हूँ और सारी कायनात अर्श वाले रब से मेरे नूर से तकलीफ। तो मजे की बात यह है कि अशरफ अली थानवी ने नशरुद्दीन में इस हदीस को भी नकल किया कि हुजूर अल्लाह के नूर से हैं और सारी कायनात मेरे नबी पाक के नूर से तरदीब की गई। और अहले हदीस मकतबे फिक्र के मुजद्दिद नवाब सिद्दीक हसन भोपाली ने अपनी किताब अशमामतुल अंबरिया में भी इस हदीस को नकल किया है कि आका करीम ने फरमाया अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने जिस शय को बनाया और मैं नूरी, वो मेरा नूर है जो सारी कायनात से पहले अर्ज़ रब ने बनाया। क्या शान अहमदी का चमन में ज़ुहूर है, क्या शान अहमदी का चमन में ज़ुहूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। क्या शान अहमदी का चमन में ज़ुहूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। अल्लाह के नूर से सारी कायनात फिर हुज़ूर के नूर से बनाए। मेरा दावा है कि कुरान में नूर के टाइटल से मीलाद बयान हुआ है। मैं तरतीब से अब दलाइल ला रहा हूँ, तवज्जो फरमाइए। जब कोई चीज बनाई जाती है तो वो कहीं ना कहीं तो रखी जाती है। आप फर्नीचर बनवाते हैं तो पहले सोचते हैं रखना कहाँ है, अगर आप फर्नीचर खरीद के लाते हैं तो सोचते हैं रखना कहाँ है। मैं नहीं कहता, मैं तो तालिबे ना हूँ, मैं क्या अर्ज करूँगा। मैं शाबलीला मुहद्दस देहलवी की बात आपको बताना चाहता हूँ और शाबलीला मुहद्दस देहलवी इमामुल मुहद्दिसीन है और इस पाए के मुहद्दिस हैं। जिस मकतबे फिक्र का भी आलिम हो उसकी हदीस की सनद अगर पढ़ो तो वो हदीस की सनद शाबलीला साहब मुहद्दस देहलवी तक जाती है। इमामुल मुहद्दिसीन शाबलीला मुहद्दस देहलवी ने रहमा अपनी किताब तफीमात इलाहियत लिखते तफीमात इलाहियत लिखते कि ये हुजूर का नूर जब बनाया गया तो रखा कहाँ गया। ये कोई चीज बनाई जाए तो कहीं ना कहीं तो रखी जाती है। हर शहर से पहले तो हुजूर का नूर बनाया गया, हर शहर से पहले हुजूर का नूर बनाया गया। कायनात में कोई शहर ना थी तो हुजूर का नूर तख्लीक किया गया, तो फिर जब शहर ही को नहीं तो रखे रखा कहाँ रखा इस नूर को बना। भी अपनी किताब तफीमात इलाहिया में एक बड़ी प्यारी बात देखते हैं। कभी कभी कुछ सौ कोई भी बातें भी सुना करो, इसमें बड़ा कैद है। शाबरीला साहब फरमाते हैं मैं एक दिन हदीस शरीफ पढ़ रहा था, उस सियासता में जामे तिरमिजी निकाली मैंने। बुखारी के बाद मुस्लिम का दर्जा है, मुस्लिम के बाद जामे तिरमिजी का दर्जा है। शाबरीला साहब फरमाते हैं मैं जामे तिरमिजी निकाल कर मैं ये हदीस पढ़ रहा था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी हैं, मता वजबत लकन नबुव्वत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अल्लाह ने आपको नबी कब बनाया। अल्लाह ने आपको नबी कब बनाया। लोग ये कहते हैं कि 40 साल तक महादशा हुजूर को पता ही नहीं था तो लंबी हो गया नहीं, और कुछ ना हजार किस्म के लोग कहते हैं कि 40 साल की उम्र में हुजूर को नबूवत हुई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सियासता के अंदर ये हदीस शरीफ है, वो सियासता जिसका आप मुतालबा करते हो जामे तिरमिजी में हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा की रावी है, हदीस दर्जे के एतबार से हदीस हसन है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं पूछा गया मता वजबत लकन नबूवा या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपको नबी कब बनाया। मेरे आका ने फरमाया कुंतु नबियन वअदमु बैन रूहे वल जसद
आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अभी रूह दाखिल नहीं की गई, मैं उस वक्त भी नबी था। दूसरे मकाम पर जो हदीस के लफ्ज हैं वो क्या है, मता मस्तनत या रसूल अल्लाह, हुजूर मसनद नबूवत पर आप कब जलवा कर किए गए, मता मस्तनत या रसूल, हुजूर ये जो नबूवत की मसनद है इस पर अल्लाह ताला ने आपको कब जलवा कर फरमाया। तो मेरे नबी पाक ने कुल तो नबी यम आदम बैनल माई वत्ती, आदम अलैहिस्सलाम पानी और मट्टी की दरमियानी मराहिल में थे, मैं उस वक्त भी नबी था। अब हाजिर मोहतम दरअसल जो आगे सुनिए, बड़ी प्यारी और मजे की बात आ रही है, सुनकर कलेजे में ठंड पड़ जाए। शाहबिल्ला साहब फरमाते हैं मैंने नबी करीम रहती हदीस जब पढ़ी ना, तो मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक से इस्तिगासा किया। अपने आका करीम की रूह मुबारक से इस्तिगासा किया और मैंने अर्ज किया कि आका की रूह मुबारक, मैं आका की नबूवत तख्लीक के आदम से पहले जिस मरहले में थी और कायनात के हर वजूद से पहले मेरे नबी पाक के नूर को तख्लीक किया गया, मैं उस नूर मुहम्मदिया को बनाने के बाद जिस कैफियत में रखा गया मैं उसका मुशाहदा करना चाहता हूँ, मुझे आलम मुराकबा और मुशाहदा में उसका दीदार करा दिया गया। ए मेरी मिल्लत के जवानों, ए बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों, रसूलुल्लाह के दीवानों, मचल जाओ। जब आका करीम की रूह मुबारक मुतवज्जे हुई तो मुझे रब्बे करीम ने अपने महबूब पाक के नूर की उस कैफियत का मुशाहदा आदमे मुराकबा में करा दिया। नूरे मुबारक रब ने बना कर रखा कहां, शबरी साहब तबीमात इलाहिया में लिखते हैं, रब ने बना कर नूरे मोहम्मद या अपनी आगोश रहमत में रखा। बनाकर अपनी आगोश रहमत में रखा। रहमतुल्लाह अलैह शेख अल कुरान बयान फरमाया करते थे कि औरत जब सफर करती है बच्चा उसके पास हो तो वो सीट पर जब बैठती है तो गोद में बैठाती है बच्चे को, गोद में आगोश में लेके बैठती है, और जब बराबर वाली सीट से सवारी उड़ जाए उतर जाए तो उसे उठाकर साथ वाली सीट बैठ देती है। ये मिसाल देकर समझाया करते थे कि बेनियाज रब ने शावरी का साथ फरमाते अपने महबूब के नूर को बनाकर आगोश रहमत में रखा, और जब तख्लीक आदम हो गई और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह मुबारक दाखिल कर दी गई तो बेनियाज रब ने इस नूर मुहम्मदिया को दुनिया में भेजना, जब रब की मशीयत और कुदरत में था तो तख्लीक आदम के बाद नूर मुहम्मदिया को अपनी आगोश रहमत से उठाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रखा। इससे कहानियों ने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया। शायद ये उतर जाए किसी दिल में खरी बात, कौम लतीफों के लग गई, गाली तो लग गई, किससे कहानी पे लग गई, कौन कौन उठेगा नौजवानों में जो हकायक की दुनिया को देखे। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारा मसलक सच्चा सच्चा और खरा अकीदा है, इसको किस कसौटी पे भी लगा के देखोगे कुरान और हदीस के मेयार पर हमारा अकीदा पूरा उतर सकता है। क्या जरूरत है किस्सा कहानी के सहारा लेने की, रब
अपने नूर बनाकर फिर आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रखा। मेरे नबी पाक के नूर को मलाइका दीदार के लिए आ रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम का रुख इधर है, इधर से फरिश्ते आती है मलाइका जमात दर जमात गिरो दर गिरो, नूर मोहम्मदिया का दीदार करते हुए दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। कतारों में आए हैं नूर मोहम्मदिया के जलवे अपने आंखों और मन में समेट रहे हैं, आते हैं जा रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम को तारके पूरा पूछा बारी का ये माजरा क्या है, मामला क्या है? फरिश्ते आ रहे हैं गिरो दर गिरो जमात दर जमात, इधर से आते हैं उधर चले जाते हैं, ये फरिश्ते क्यों आ रहे हैं, मेरे इर्द के तवाफ क्यों कर रहे हैं? फरमाया है प्यारे आदम जिस नाबूद की खातर मैंने तुझे तख्लीक किया, जिस नाबूद की खातर पूरी बस ने कायनात को सजाया और बनाया और भराया, उस नाबूद का नूर तेरी पुश्त में रखा है जिसकी ज़ियारत और दीदार के लिए फरिश्ते आ रहे हैं। फरिश्ते उस नूर की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। अब दुआ की अपने रब से अर्ज की कि बारी ताला अगर मलाइका नूर मोहम्मदिया का दीदार कर रहे हैं दिल को दिला भी करता है दिल को मिला भी करता है, मैं भी उस नूर मोहम्मदिया के जलवों का मुशाहदा करना चाहता हूं। हाजरीन अजीब अखार मैं नहीं कहता, तफसीर उल बयान में इमाम इस्माइल हकी ने लिखा कि रब्बे करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश पर तमन्ना पर आरजू पर मेरे नबी पाक के नूर मुबारक को आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से उठाकर उनके दोनों अंगूठों में रखा, और जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम ने अपने अंगूठों में नूर मोहम्मदिया को देखा तो फर्द मोहब्बत में आकर दोनों अंगूठों को चूम कर अपनी आंखों से लगा दिया। मालूम ये हुआ कि सरकार के नाम पाक की ताज़ीम में जो हम अंगूठे चूमते हैं वो उलमा तशरीफ़ फरमाए ये आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, आदम अलैहिस्सलाम की हम सब के अदी है आदम अलैहिस्सलाम है, किसी को शक अबुल बशर है भाई, हम सब तमाम बशरों के बाप पहले बशर पहले इंसान और तमाम इंसान तमाम बशर औलाद आदम है। उनके अंगूठों में जब नूर मोहम्मदिया आया तो चूम कर आंखों पर लगा, एक मेरे आका मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाए हजरत बिलाल ने आजान पढ़ी जब पढ़ा ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, किसने पढ़ा हजरत सिद्दीक सामने बैठे हैं बिलाल आजान दे रहे हैं, सैयदना बिलाल मौजले रसूल आजान पढ़ी हजरत बिलाल ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, सिद्दीक सामने बैठे हैं जब पढ़ा ना हजरत बिलाल ने आजान ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हजरत सिद्दीक अकबर ने दोनों अंगूठों के चूम कर आंखों पे लगा दिया। मुझे अजीज ने पूछा कि आजान में हुजूर का नाम सुनकर ये सुन्नी लोग अंगूठे क्यों चूमते हैं? मैंने कहा इसलिए चूमते हैं कि सिद्दीक ने जब आजान में अंगूठे चूमे तो जब आजान खत्म हो गई मुकम्मल हो गई तकमीर आजान के बाद मेरे आका सहाबा से मुखातिब हुए, फरमाया ओ मेरे सहाबियों जानिसारों फिदाकारों तुमने देखा है आजान में मेरा नाम सुनकर अबू बकर ने एक अमल किया है। हुजूर ने फरमाया तुमने देखा है, तुमने देखा है सिद्दीक ने क्या किया है? तो सहाबा ने अर्ज किया हाँ हुजूर हमने देखा है, आपका नामे नामी इसमें गिरामी जब आया तो सिद्दीक ने दोनों मुझे चूम कर आंखों पे लगा लिए, पर मैं सुनो आज के बाद आजान ने जो मेरा नाम सुनकर इस तरह करे जिस तरह अबू बकर सिद्दीक ने किया मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक उसको साथ न ले।
ये बिदत है, सुन्नी बिदत है, ये मुबेगर तो बता दिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है और आदम अलैहि सलाम की सुन्नत है। हाजरीन मोहतरम, फरमाया जो ये काम करेगा उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक उसको साथ लिखा है कि अंगूठे चूमने से आंखों पर जो लगाते हैं इससे सवाब तो नहीं मिलता, सवाब नहीं मिलता लेकिन आंखें खराब नहीं होती। मैंने कहा चलो हम तो सवाब के लिए पढ़ते हैं और चूमते हैं, आप आंखें बचाने के लिए चूम गए। उन्होंने कहा कि सवाब शवाब तो नहीं मिलता आया। वो नूर जो सारी कायनात से पहले तख्लीक किया गया उस नूर को जब दुनिया में भेजना अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद फरमाया तो फिर आदम अलैहिस्सलाम से वो नूर हजरत शीश के पास मुंतकिल हुआ, वहां से नूर की अमानत नस्ल दर नस्ल उस दर उस ये नूर मुहम्मदिया मुंतकिल होता हुआ हजरत इब्राहिम के पास आया, वहां से ये नूर की अमानत हजरत इस्माइल के पास आई, वहां से ये नूर की अमानत मुंतकिल होती हुई उस दर उस हुजूर के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास नूर की अमानत आई, फिर हुजूर के वालिद माजद हजरत अब्दुल्ला तक आई, फिर नूर की अमानत सैयदा आमना के पास आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नसल दर नसल पाक सुनो पाक रहमों में ये नूर मुंतकिल होता है। बुखारी की हदीस गौर से सुन ले, मेरा मजमून और मजबूत हो जाएगा। सुभान अल्लाह, अपने मजमून की ताई और तौसीक में मैं बुखारी की हदीस ला रहा हूँ। मेरे आका ने करीम फरमाते हैं ना मदद अनकुल में नसलात ताहिरीना इला अरहाम ताहिरात, फरमाए लोगों सुनो मैं पाक सुनो पाक रहमों में मुंतकिल होता हुआ आया हूँ, मेरे नूर की अमानत जिन मर्दों के पास रही वो मर्द भी पाक थे, जिन औरतों के पास मेरी नूर की अमानत रही वो औरतें भी पाक थी। सारी कायनात से पहले तख्लीक किया गया उसी नूर का आता वो है जो पहले हो, आता है जो पहले हो, भाई हुजूर थे तो आए ना, तो कहाँ थे? कुरान ने जवाब दे दिया सवाल का, मिन अल्लाह है नूर, आया अल्लाह की तरफ से है, आया अल्लाह की तरफ से, वो नूर सारी कायनात से पहले बनाया जब दुनिया में भेजा, फिर आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रखकर नस्ल दर नस्ल पुश्त दर पुश्त वो नूर मुंतकिल होता हुआ इसी माहे नूर सरूर रबी अव्वल शरीफ की सुहानी सोह को हजरत आमना के आंगन में उसी नूर का दुखूर हुआ। सुभान अल्लाह, दो गवाहियां आपने सुने, कुरान कहते हैं कद जाअकुम मिन अल्लाहि नूर, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया, और आने वाले क्या फरमाते हैं जो आए हैं तशरीफ लाए नूर वाला आया है नूर लेकर आया है, जो तशरीफ लाए वो क्या फरमाते हैं? अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, कायनात की हर शय से पहले मेरा नूर तख्लीक किया गया, भेजने वाला खुदा फरमाता है मैंने नूर भेजा, आने वाला फरमा रहा है सबसे पहले मेरा नूर तख्लीक किया गया। तीसरी गवाही उस कायनात की अजीम माँ की गवाही जिनकी इज्जत वस्मत पर कायनात की सारी माओं की इज्जत कुर्बान, मेरे आका की अम्मा जान सैयदा आमना पाक आपकी गवाही सुनिए आप क्या फरमाते हैं।
मैं रेफरेंस पहले कोट कर देता हूँ, किसी को पूछने की जरूरत ना हो कि जनाब ये लिखा कहाँ है। मैं पहले अर्ज कर देता हूँ जनाब बंदा और जनाब वाला, ये शाह अब्दुल मुहद्दस देवी ने अपनी किताब मासाबत अपने सुन्ना में लिखा है, मुहद्दस इब्ने जौजी ने अपनी किताब मौलदुल उलूस में लिखा है, अशमामतुल अंबरिया में मौलद खैर बरिया में नवाब सिद्दीक असद गोपाली ने लिखा है, असमत मकसद में इमाम जलालुद्दीन सूती ने लिखा है कि सरकार की अम्मा जान क्या फरमाती है, फरमाती है कि जब विलादत का वक्त करीब आया, विलादत के लम्हे करीब आए, फरमाती हैं मुझे तो दर्जे ज़े का एहसास तक नहीं हुआ। बच्चे की पैदाइश, विलादत के वक्त जिन तकलीफ का सामना करना पड़ता है, सैयद आमना पाक फरमाती मुझे तो दर्जे ज़े का एहसास तक नहीं हुआ। फरमाती हैं जब मुद्दत पूरी हो गई, फरमाती हैं मैंने अचानक देखा मेरी झोंपड़ी रोशन हो गई, मुनव्वर हो गई। फरमाती है मैंने जब देखा तो खारा जमीन नी नूर मुझसे एक नूर जाहिर हुआ, शर्क से अरब तक, शमाल से जुनूब तक, जमीन से अर्श मोहल्ला तक, सारी कायनात रोशन हो गई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, पूरी कायनात जगमग करने लगी। मैंने उस रोशनी में मशरक के किनारे भी देख लिए, मगरब के किनारे भी देख लिए, अदालत में हो कसूर शाम, मैंने मक्के में बैठ के शाम के महल्लात को चमकता देखा। जग नूर आए ने हुजूर, दुख मुक गए जमानिया के सारे। जग नूर नूर आए ने हुजूर, आज भी लाबुल नबी है, क्या सुहाना नूर है, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। भाई मेरा दावा था, मैं उस पर दलाइल ला रहा हूं, नूर के टाइटल से कुरान ने मिलाद को अश्वर रब ने बयान फरमाया, और बयान फरमाने में हिकमत ये थी कि वो नूर तशरीफ लाया रबीउल अव्वल की 12 तारीख को, उसी नूर मोहम्मदिया को कायनात की हर शय से पहले तख्लीक किया गया, वो कुछ दर कुछ मुंतकिल होता हुआ वही नूर मुबारक रबीउल अव्वल की 12 तारीख को नूर कुदसी हुआ। रोशनियां बिखर गई, जिधर देखती थी रोशनियां नजर आती थी, आती थी, और खुशबुओं के बिखर जाने से मशाम जान मुअत्तर हो रहे थे। मुझे एक आदमी कहने लगा, ये मैंने कहा ये तो सरकार की अम्मा जान फरमाती है कि कायनात मुनव्वर हुई, ये लाइटिंग जो आप लोग करते हैं मीराज शरीफ में इसकी असर क्या है, बेनियाज रब ने महबूब के आने पर पूरी कायनात में लाइटिंग कर दी, इतनी लाइटिंग कि मक्के में बैठ के शाम के महद्दे की, मशरक के किनारे देखी है, बदर के किनारे देखी है। आप लाइटिंग करते हैं अपनी ताकत के मुताबिक, रब ने चराग किया अपनी कुदरत के मुताबिक, अपनी कुदरत के मुताबिक चरागा किया, हम अपनी ताकत के मुताबिक करते हैं। मशारिक मगारिक रोशन हो गए, खुशबुएं निखर गई, रोशनियां फैल गई। मुझे एक आदमी कहने लगा, क्या
ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਛੱਡੇ मुस्तफा पर मीलाद मुस्तफा पर मीलाद के तीन झंडे झूलते हुए लहराते हुए देखे। एक मीलाद का झंडा मशरक पे लहरा रहा था, एक मगरब पे लहरा रहा था, एक झंडा काबे की छत पे लहरा रहा था। मैं सरकार की अम्मा जान की जुबान से हुए निकले हुए वो लफ्ज न पढ़ के सुना दूं आपको, आपको सुना दो तो सरकार की अम्मा बाद में अरबी में फरमाती है रही तो उलमा तशरी फरमा है अज्ञान फरमाती है रही तो सला सदा आला मिन ऐ अलम चढ़े तो आखिर अलम की जमा आला सरकार की वादा माइदा फरमाती है रही तो सला सदा आला मिन अलमन बिल मशरिक व अलमन बिल मगरिब व अलमन बिल हरी कावा एक झंडा मशरक पे लहरा रहा था, एक झंडा मगरब पे लहरा रहा था, एक झंडा काबे की छत पे लहरा ये कहते हैं झंडिया में लेकर अपने झंडे खुशबुए बिखर गई। हजरत आमना पाक फरमाती हैं मुझे तो गलत से का एहसास ही नहीं हुआ, मैंने अचानक देखा मुझ एक नूर जाहिर हुआ है, पूरी कायनात जगमग करने लगी। और हजरत हुजूर के दादा जान का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे काबे का तवाफ कर रहे हैं ना तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि अचानक मैंने देखा काबा मेरी तरफ देखे काबा बैत हमना की तरफ झुका काबा बैत हमना की तरफ झुका जिधर क्योंकि हमना पाक का घर था ना जहाँ हुजूर का मिलाद हुआ काबा झुका एकदम आवाज आई खड़ाई की आवाज आई तो मैंने देखा काबे के अंदर जितने बुत पड़े हुए थे सारे के सारे मुंह के बल नीचे गिर पड़े। काबा बैत अल्लाह की तरफ झुका बुत नीचे गिर गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं अनहोनी बात देखी और जब काबा झुका ही देख लिया तो बैत अल्लाह पर झुक गए बुत सारे मुंह पर ने जमीन पे टिक गए काबा बैत अल्लाह पर झुक गया। इलाही माजरा के मामला की फरमाते हैं मेरा तवाफ मुकम्मल होया चुकिया या परेशान हो गए खुदाया खैर हो गए काबा चुकिया बैठे आप फरमाते हैं ना जे पूरी तरह से की तरह से ना हो गए बैठा नहीं एक निकी जी बच्ची दौड़ती आई मेरे पास सुभान अल्लाह बच्ची दौड़ती आ गई मेहमान की सरदार की मुबारक हो रे मुबारक हो रे तुम्हारे घर पोतरा हो जाए फरमाते हैं कि मेरा बेटा अब्दुल्ला तो फौत हो गया था। मैंने कहा चलो मेरा पुत्र अब्दुल्ला दुनिया तो चला गया ओदे घर पुत्र होया तो मेरा पोतर है तो बड़ा तो मैं ही हूं जाके देखा अपने पोतरे को देखा तो अखा को ठंड पड़ा सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। यासिर अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जल्दी जल्दी तेज से इस कदम चुकला तो साथ खुल गया मेरा साथ चढ़ गया खुशी की मैं दौड़ता जावा बैत आमना पर जिस वे गए ना तो अंदर जान लगी कि खूबसूरत जवान मुंडा खड़ोता है जगह तगड़ा तो कबर नौजवान वो दरवाजे में खड़ोता है कि अंदर जान लगे ना उन्हें भी हथ कर दे तो सब एंट्री पीछे होकर खड़ो गया वो हैरान होकर देखने लगता है
ये कौन है मैंने ढकन वाला मैं ते अंदर चला पोतरा आया तो पोतरे को देख चला तो तीनों पूछण लगा कि मैनू पैदा जोड़ा हो वो गल सुना यह मैं दरवाजे भी ढकद ये कौन है ढकन वाला और ना सियाणते हैं सियाणने से नहीं आता उन्हें कहना ना मके की मंडी च कभी देखे ना बाजार देखे ना गलिया पीछे कभी मुंडा देखे नहीं जवाब मतलब फरमाया तू कौन मैंने ढकन वाला उरूस भी चिमने जाती ने लिखा सुनो तो मजा लो मुबारकी ना माधरी बच्चा जमे ना मैं दादा लगना घर मेरा तू मेरी पूतरा पोतरा मेरा तू कौन है मेरे ढकन वाले बड़ा मजा आया नौजवान पता की याद है जवान जो खड़ोता से खूबसूरत गड़ियल जवान से वो आंदा है अलीम तो अंत जद्दहू अलीम तो अंत जद्दहू वो आंदा है मैंने भी पता तुसी दादे हो तो मैंने भी पता तुसी मैं गलत दस कर लेगा नाड़ी आंदा मैंने पता है तुसी दादे हो मैंने टकरा है अंदर जा हैरान होके पूछा तू कौन है देखने वाला तेरा की नाम है उन्हें क्या आना जिब्राइल मिलाद के ने मना तो आए फिर अपने फरिश्ते कर लेते
جس بندے کی نیت خراب ہوگی نا چونکہ چنانچہ یعنی کہ یہ کہ وہ کر دوے میں ساریاں دلیلہ دیتیاں تو پروفیسر نے چکری دے گی میں نے یہ کتابیں ہیں آپ کے پاس میں کہ یہاں چھپی ہوئی ہیں چھپی ہوئی ہیں میں وہ کالج پڑھتا سب بہت ہی اچھے وہ گرے ٹیچر سے استاد سے اللہ کی عزت کی قسم میں چکریاں کو آتی ہوتی ہیں میں نے کہا لگا تم میرے پاس پڑھتے ہو میرے ساتھ ایسی بات کرتے میں کہ گالے حضور دی عزت ہی ہے جو کہ کوئی سمجھو سبحان اللہ یہ معاملہ نبی پاک دے پیار دا حضور دی عزت دا معاملہ ہے اے دے اوتے قسم اللہ سے کھا پاوے کوئی ہو گئے سب حضور دی عزت سارے نال سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کہا لگا یہ کتاباں ہیں میں کہ چھپیاں نہیں چھپیاں نہیں سبحان اللہ یہ کتاباں چھپیاں نہیں چھپیاں میں اپنے دن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے مزار شریف کے کروڑوں طلبہ کو تنا اللہ میں وہ سٹوڈنٹ سے کالج کا طالب علم نے گل کی اپ نے انہوں نے 5-10 کتاباں کٹ کے والے کی لگی اب وہ میں لے جو جو کلاس کو فارغ ہو دے گا رات ہے بے بے اللہ کی عزت کی قسم ہے واسطے میں حضور کا کام میں کتاباں جو پھر اگے رکھی ہیں تو وہ تو سر توڑنی نہیں ہوگی اللہ اکبر وہ ساقی اچھا یہ تے رب نے چنگے بھی لائے تے رب نے جناب یہ سارے کام دیکھو نا جڑے تسی کر دو یہ تے سارے ثابت نے رب نے کرائے تے کنا کو کرائے فرشتیاں کو کرائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر میں اپنے والد صاحب نے تو ساری دلیاں کتاباں نے میں اپنے ابا جی کو پڑھی سبحان اللہ
मेरी ख्वाहिश है नस्बत कायम रखो जामे रुपया दौरा दीस करो आप ही पढ़ाए तो दौरा दीस डबल असर पढ़े दोबारा उस पढ़े जा सामने आप रख लिया आपको मैं लिखे रिश्तेदार सज्जन बेली नानके दादके गली मोहल्ले वाले सज्जन मित्र बेली आंढ़ी गुआंढ़ी आके हंसन चौधरी जी की बड़ा अफसोस है बड़ा अफसोस है मैं नाथ का भी रहा
ਸਾਰੀ ਕੀ ਰਹਿ ਆਵਾਂਗਾ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੀਆਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛਾਣੀ ਪਰਾਲੀ ਛਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਡਾਹ ਦੇਣੀ ਮੰਜੀ ਡਾਹ ਕੇ ਦੋ ਖੇਸ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਚੰਗੇ ਜੇ ਨਵੇਂ ਨਾ ਪਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੇਸ ਹੋਵੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਕ ਦੋ ਖੇਸ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਦੋ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾਏ حضرت جس نے تشریف لے کے نہ دربار ناتھ خان کی تنال قاری صاحب کی ایک کی بجائے دو ناتھ خان لے گئے سبحان اللہ آپ نے فرمایا میں ڈٹ کے تقریر کی تھی میں بھالا بندہ ہے کدھر یہ دل کی خیال تھا میں باڈی نے ٹرکا کے ٹر گئے سبحان اللہ اور فرمایا میں ڈٹ کے تقریر کی تھی جا کی تگڑی تقریر کی تھی سبحان اللہ جس نے تقریر کی تھی نا تے میں بھی مارا بندہ ہے قبر کی لے اٹھ کے ڈٹ گئی میں کہ اٹھو اسلام پڑھو سارے سلام پڑھے ہیں سلام دوسرے پڑھ لے تو میں کہ پہلو دعا مانگی ہے میں دل بھی سوچے کہ تے ماڑا بندہ ہے جی نے سلام کو نہیں کی تھا وہ جس نے مولانا صاحب نے فرمایا تو اٹھو دعا مانگو دعا مانگ لگے تو وہ گھر دا دروازہ ٹوٹا جا دروازہ ماڑا جا دروازہ کھول کے نہ کہندا مولوی جی ذرا کھلو جاؤ میں تو ماڑا چنگا تبر دا بھی انتظام کیتا ہے ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਾਣੀ ਆਖ ਕਰਕੇ ਪੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੇ ਬਰੁੰਡਾ ਪਿਆ ਕੀ ਪਿਆ ਮੌਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਮਜ਼ਾਇਆ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮਜਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਬਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਾਜ਼ਰ ਬਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਦਾ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸੜੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੇਦੇ ਬਰੁੰਡਾ ਤੇ ਆਪ ਬੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜੋ ਆਪ ਬੜੇ ਸਨ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਮਾ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਬਣਨੇ ਮੁੰਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾੜੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਨੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਆਇਆ थकावट آشکارے رسول دے یہ حال ہے کہ اڑی چھڑ دے چار چار جگہ پیا آخر انسان ہے مشین دے ہیں کو بٹن دبائے تے چلتے ہیں تین جگہ آج میں بیان کیتا ہے اور دے بعد جناب پھر اثر دے بعد تے جڑا نہ حال دے بعد راتی وی 4 بجے تک پہنچے میں تے اذان کو اذان شروع ہو گئی ہے پہنچے گا اے ایک کیفیت تے پھر بھی اللہ دا شکر ہے کہ میں انتہائی کرا میرا تھکیا تے صحت بڑی تھکاوٹ حد تو زیادہ سی میں رب کا شکر ادا کرنا توفیق رب تعالیٰ نے عطا فرمائی چند کرے بات میں عرض کیتے نہیں یاد جدا صحبت باقی آسم رضا صاحب انہوں نے والد صاحب نے بھی بات دستا ہے بھائی انہوں نے بھائی انہوں نے بڑی محبت نال اس سرکار نے میرا رکھنا ہے اللہ انہوں نے جزا دے اور بھی پیر بھائی تشریف فرمانے اللہ انہوں نے سارے میں سلامت آباد رکھے تسی سارے عاشقان رسول ہو حضور دی محبت دلہ بھی لے کے آئے ہو میں سارے واسطے دعا کرنا صدقہ بھی رات والی آتا ہے کوئی بھانی نہ جائے آمین اللہ ماں کو مقارب نہیں تو گستاخی کے لئے میرے بولی ہوئے میں علماء کو نامہ سوا کر دی میں حضرت خان
मैं इंतहाई उलमादा को इहतराम करना, अल्लाह ताला इन्हें साया आले सुन्नत सलामत रखे। वाहियुल्लाह।